तो गाइस आप फर्स्ट टाइम डेट पे कहाँ पर गए थे? तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आप सबका स्वागत है एक बार और हमारे न्यू व्लॉग में। तो गाइस आपको याद होगा हमने 2-3 बार कपल का इंटरव्यू लिया, वो काफ़ी टाइम से साथ में थे, लगभग 10-10 साल से, एक तो 8 साल से और एक 10 साल से। आज एक और कपल मिला है, चलो उनसे वापस पूछते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी कैसी रही और वो कैसे मिले थे। तो चलो दोस्तों, उनका नाम है हमारा पायल एंड सौरभ, एक बार उनसे भी कन्फर्म करते। चलो तो गाइस ये आ चुके हैं हम हमारे कपल के बाद। हाँ बताइए भैया, आप दोनों कैसे मिले थे? हम एक दूसरे को थर्ड स्टैंडर्ड से जानते हैं, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और हमने 11th स्टैंडर्ड में डेट करना स्टार्ट किया था। हमें 11 इयर्स हो गए हैं डेट करते हुए और अब हमारी शादी हो रही है तो इट्स फॉरएवर। और भैया और पूछो, क्या पूछना है? सर भैया आप बताओ, ये तो मैडम ने बताया। थर्ड में क्लास, सेम क्लास में आई, 8th में फोन नंबर मिला, 9th क्लास में बात चालू हुई, 10th में पहले मैंने प्रपोज किया, 11th में जाके हाँ की। अब देख लो, नाउ आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर ए डेकेड मैडम मानी है। अच्छा अब मैडम। तो गाइस आप फर्स्ट टाइम डेट पे कहाँ पर गए थे? याद भी नहीं आ रहा, तो सोचना पड़ेगा कहाँ गए थे। टीचर्स डे सेलिब्रेशन हमारे स्कूल में। हाँ आई वोर अ साड़ी और हम किसी लाउंज में गए थे, जो जिस लाउंज का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या था? गेम ऑफ लेजेंड्स। हाँ गेम ऑफ लेजेंड्स में गए थे हम फर्स्ट टाइम डेट पे और मुझे याद है मैंने साड़ी पहनी थी। तो गाइस आप कितने टाइम से साथ में हो? 11 इयर्स। और एक दूसरे के लिए फीलिंग बताओ क्या है आप दोनों के मन में? बहुत तंग करता है। और शी इज अ स्वीटहार्ट, शी मेक्स माय लाइफ कंप्लीट। या सेम सेम, वी हैव ग्रोन टुगेदर, लाइक वी हैव बीन पार्ट ऑफ ईच अदर। सो गाइस ये बीच में वीडियो थोड़ी सी अटक गई थी, तो चलो एक बार वापस वहां से स्टार्ट लेते हैं। ओके गाइस बताइए कहां पे थे? कि हम, हमारी फीलिंग क्या है, बहुत तंग करता है लेकिन यस, फ्यूचर वॉट एवर फ्यूचर इंटेल्स, वी होप एवरीथिंग इज गुड। ही इज अ स्वीटहार्ट, वी स्पेंड आवर लाइफ टुगेदर एंड वी बी द हैप्पी कपल। गाइस मेनी मेनी ब्लेसिंग्स फॉर एवरीबॉडी। आपका कोई फनी मोमेंट बताओ। बहुत सारे हैं, रोज ही होते हैं। फनी सबसे फनी हो रहा है ये प्री वेडिंग शूट, जिसमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। पृथ्वी ने बहुत मजे भी कराए और तंग भी किया सब। अच्छा। ये सबसे फनी है हमारी लाइफ में। अच्छा तो गाइस आपकी लाइफ में कभी तो उतार चढ़ाव आया होगा, कभी टेंशन हो गई होगी? हाँ, ये हर रिलेशनशिप का पार्ट है, होता रहता है। और फाइनल क्या कहना चाहोगे? कोई नहीं, मना लेते हैं। फाइनल ये कहना चाहेंगे दैट वी बी हैप्पी, गिव अस ब्लेसिंग्स, यस एंड विश एवरीवन लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स टू पृथ्वी भैया। पृथ्वी भैया ने बहुत मजे कराए हमारे को प्री वेडिंग शूट में, अब आगे और पार्ट टू में और ग्रेट टाइम। भैया आप एक ट्रिक दे दो, 9 साल 11 साल से साथ में हो, रहने का क्या? बस सब बीवी की बात मानो। तो चलो गाइस बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। चलो सो गाइज आपने देखा यार 11 साल का रिलेशन था, इन्हें अपने बारे में बताया कैसे मिले, स्कूल से ये स्टोरी स्टार्ट हुई है और फाइनली ये 29 जनवरी को इनका लास्ट प्री वेडिंग है और फरवरी में इनकी वेडिंग कंप्लीट है, फाइनली कंप्लीट हो जाएगी इनकी शादी, इतना पुराना प्यार। तो गाइज ये चीज आपको कैसी लगती है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है, इतने लॉन्ग कपल साथ में बहुत यूनिक है। चलो गाइस इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, इस वीडियो को, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है जो हर कपल की हम जाके लेते हैं। चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय माता दी।